डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। कहीं दुकानों के सामने सड़कें स्विमिंग पूल बन गई हैं, तो कहीं बारिश के पानी के बीच से लोग साइकिल रिक्शे को पैदल खींचने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें पटना के किसी एक इलाके की नहीं, कदम कुआं, भट्टाचार्य रोड, गांधी मैदान, राजेंद्र नगर, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। या साइक्लोन के कारण पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से पटना पानी पानी हो गया है। कदम कुआं के शालिमपुर आहरा पर इंद्र देवता ऐसे मेहरबान हुए हैं कि क्या घर क्या बाहर, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। पटना नगर निगम के कार्यशैली से क्या आप खुश हैं? नहीं, पटना नगर निगम के कार्यशैली से खुश नहीं है। हमेशा जल जमाव बना रहता है और नाला वगैरह साफ ये लोग नहीं करवाते हैं। कितना भी बोलने पे वार्ड काउंसिलर कोई ध्यान नहीं। बारिश की पटना पर ऐसी मार पड़ी है कि कोई पैदल तो कोई बाइक से घुटनों तक पानी से गुजरने को मजबूर है। 27 मई से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। बारिश और तूफान से जहां तहां पेड़ गिरे पड़े हैं। जल जमाव से बिजली आपूर्ति बुरी तरह बाधित है। कुछ तस्वीरों में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम रात में JCP मशीन की मदद से सड़क से मलबा हटाते नजर आए। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने चक्रवाती तूफान को ध्यान में रखते हुए आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पटना से राजेश कुमार झा के साथ सुजीत कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।